गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 25 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि डॉकर की एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं और उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। अगर लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं आज आपको बेसिक इंस्टॉलेशन डॉकर की करके दिखाऊंगा लिनक्स मशीन के ऊपर, और लैब भी हम करके देखेंगे। आई होप डॉकर आपको समझ आ रहा होगा। कुछ बुनियादी बातों के लिए मैं लेक्चर को थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, सो दैट डॉकर जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे लोग बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं डॉकर के रिलेटेड मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे वीडियोस के, लेकिन आप टेंशन ना लें, वो सारे डाउट आज या आने वाली अगली वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि डॉकर की एडवांटेजेस क्या हैं। आई होप अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि डॉकर क्या होता है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, कंटेनराइजेशन क्या होता है, ये बुनियादी बातें आपको पता है। अब अगर इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ रहे कि भाई आप मुझे डॉकर की 5 एडवांटेज बताएं, तो वो एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं। पहली हो सकती है लाइटवेट, ये लाइटवेट होता है। कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। ये सबके लिए पहले से रिसोर्स एलोकेट नहीं करता है कि मुझे इसके लिए रैम भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए। जब इसे जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ले लेता है। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन से लेवल का वर्चुअलाइजेशन होता है? बिल्कुल सही बताया आपने, OS लेवल का वर्चुअलाइजेशन होता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो कुछ बुनियादी एडवांटेजेस जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सो दैट जब आप नोट्स बनाएं तो ये आपको मालूम होने चाहिए, आप पढ़ के जाइएगा जब इंटरव्यू आ जाए। इसके अलावा 50 एडवांटेजेस हो सकती हैं, बट कुछ कॉमन, कुछ आप ऐसी कहें जो आपको याद रह सकती हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि पहली जो सबसे अच्छी एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी प्री एलोकेशन ऑफ रैम नहीं होता है। प्री एलोकेशन ऑफ रैम से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं वर्चुअलाइजेशन की, मैं अभी वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं, वीएमवेयर की बात कर रहा हूं, तो वीएमवेयर के अंदर क्या होता था? ये आपका होस्ट हार्डवेयर होता था। इस हार्डवेयर के पास 16 GB रैम होती थी। इस हार्डवेयर के अंदर मेरे पास 8 CPU कोर होते थे और मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क होती थी। तो मैं जो भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करता था, इसके ऊपर सपोज मैंने OS बनाया है, उसके ऊपर मैंने हाइपरवाइजर डाला है, मेरा हाइपरवाइजर है, और उस हाइपरवाइजर के ऊपर मैं क्रिएट करता था मेरी वर्चुअल मशीन, और हर वर्चुअल मशीन का अपना एक OS होता था, जिसे हम क्या कहते हैं? गेस्ट OS, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट OS। तो मुझे हर एक वर्चुअल मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था। यह बात आप जानते हैं कि मेरे को अगर VM बनानी है तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज होता है, लिनक्स है, विंडोज है, कोई भी है, उसका अपना एक साइज होता है 3 GB 4 GB का। वो स्टोरेज कहां से लेगा? हार्डवेयर से लेगा। उसके अलावा आपको बनाते टाइम ही ये बताना पड़ेगा कि मैं इस वर्चुअल मशीन को कितनी रैम देना चाहता हूं, उतनी रैम उसके नाम पे एलोकेट हो जाएगी, वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैंने यहां से 16 GB में से 4 GB जो है इसको दे दी, तो उसी चीज को हम क्या कहते थे? प्री एलोकेशन ऑफ रैम। लेकिन यहां पर कंटेनर के केस में ऐसा नहीं है। जब आप कंटेनर बनाएंगे तो ये आपका होस्ट हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर आपने अपना सपोज कोई OS चला रखा है और उसके ऊपर आपने अपना डॉकर लगा दिया, डॉकर इंस्टॉल कर दिया, डॉकर इंजन। तो डॉकर इंजन आप जब इंस्टॉल कर देंगे तो जब वो कंटेनर बनाएगा तो उसके कंटेनर में कोई भी OS नहीं होगा। वो डायरेक्ट जो भी फाइल लेगा वो यहां से ले लेगा, उसको जो OS चाहिए वो यहां से ले लेगा, और जो RAM चाहिए वो OS उसको यहां से लाके देगा। OS यहां से खुद उठाएगा और फिर इसको प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड इसी लेयर से होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ भी पहले से एलोकेट नहीं करना है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस करी है, यहां फिर कर रहा हूं, सो दैट आपको मेमोराइज हो जाए चीजें, ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में बैठ जाए। जो लोग नॉन टेक्निकल हैं, जो बिल्कुल इससे रूबरू नहीं है, उनका उन पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं वो लोग भी इन सारी चीजों को आसानी से कर सके। जो टेक्निकल है उनको ये बातें समझ आ गई होंगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एफिशिएंसी।
सीआई क्या होता है इसकी बात मैं आगे चल के करूंगा, आप टेंशन ना लें, पूरा एक मजीद लेक्चर मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एफिशिएंसी जो है ये बढ़ा देता है। इससे मुराद क्या है, मतलब क्या है, इससे मतलब ये है, डॉकर इनेबल्स यू टू बिल्ड अ कंटेनर इमेज एंड यूज दैट सेम इमेज अक्रॉस एवरी स्टेप ऑफ द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। यानी एक बंदे ने कोई काम किया, एक एप्लीकेशन बनाई कंटेनर के ऊपर, अब वो उस इमेज को, उस कंटेनर की इमेज को भेज देगा टेस्टिंग टीम के पास। तो टेस्टिंग टीम को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये इमेज चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि वो इमेज 100% चलेगी, क्योंकि वो कंटेनर की इमेज है। तो वो इमेज वो वहां पर जब वो अपने डॉकर पे चलाएगा तो जो भी उसको रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, फाइल्स चाहिए, सपोर्टेड फाइल चाहिए, वो अपने आप उठा के कंटेनर अपने आप रन हो जाएगा, वो हब पे से अपने आप उठा लेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको मैं अभी बता दूं, हालांकि हम बीच बीच में बार बार डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि दो चीजें होती हैं, एक होता है कंटेनर और एक होता है इमेज। आपने बस एक चीज याद रखनी है, ये इमेज जब चलेगी तो ये कंटेनर बन जाएगी, ये इमेज जब चलेगी तो ये कंटेनर बन जाएगी, और जब इसको हम भेजेंगे तो हम इसे इमेज की फॉर्म में भेजेंगे। यानी इमेज जब रनिंग कंडीशन में होती है, इमेज जो है जब रनिंग कंडीशन में होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कंटेनर कहते हैं। ठीक है, इमेज जब रनिंग कंडीशन में होती है, और इमेज जब स्टॉप होती है, पॉज होती है, उस तरह की कंडीशन में होती है तो उसे क्या कहते हैं, कंटेनर जब स्टॉप हो जाता है, पॉज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, इमेज जब ट्रांसफर की जाती है, जब कोई कंटेनर को ट्रांसफर करना है तो कंटेनर को मूव नहीं कराते, ये चीज याद रखिए, कंटेनर मूव नहीं होता। डेवलपमेंट साइड अगर डेवलपर ने बनाया है, कंटेनर में कुछ काम किया है, तो वो कंटेनर को नहीं आगे भेजेगा, किसको भेजेगा, इमेज को भेजेगा, उस कंटेनर की इमेज को वो भेजता है। बस ये बात आपको याद रखनी, हालांकि बीच बीच में हम ये बार बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटेनर क्या होता है, रनिंग आप कह सकते हैं रनिंग स्टेट ऑफ इमेज। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जब इमेज रनिंग कंडीशन होती है तो उसे हम कंटेनर कहते हैं, और जब कंटेनर रनिंग नहीं होता है तो उसे हम इमेज कहते हैं। तो हम हमेशा इमेज भेजते हैं। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे कि मेरे लैपटॉप में मेरी विंडो चल रही है, मैं उसे तो नहीं भेज सकता ना, अगर मुझे दूसरे बंदे के लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करनी है तो मैं अपनी विंडो से उसकी विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकता, मुझे इस विंडो की एक फाइल चाहिए होगी, एक ISO फाइल चाहिए होगी, एक इमेज जिसे हम बोलते हैं ISO इमेज बोलते हैं, उससे उस बंदे के वहां पे वो विंडो इंस्टॉल होगा, रनिंग विंडो से नहीं होगा। राइट, ये बात आपको समझ आ रही है, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, और एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये एफिशिएंसी बढ़ा देता है, क्यों, क्योंकि एक ही इमेज आगे आगे जाकर इजीली वो रन करती है, वहां वो वाला मसला खत्म हो जाता है कि यार मेरे यहां तो ये कोड चल रहा था, तुम्हारे यहां क्यों नहीं चल रहा, तुम्हारे यहां इश्यू है, तुमको काम करना नहीं आता, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जब एक दूसरे पे जो ब्लेम गेम वाली बात थी वो अब खत्म हो जाती है, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नहीं भी अगर ये टर्म आपको समझ आ रही है सीआई, तो कोई टेंशन नहीं है, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर आने वाला है। ठीक है, लेस कॉस्ट, कॉस्ट हमारी कम है, कंटेनर हमारे सस्ते होते हैं। देखें कितनी एडवांसमेंट होती जा रही है, कि पहले हार्डवेयर वाले काम हम करते थे, अपने खुद के डेटा सेंटर बनाते थे, खुद के सर्वर हम बनाते थे, अब उस सर्वर को भी हमने क्या किया, वर्चुअलाइज कर दिया VMware के थ्रू, और हमारा हार्डवेयर क्या हो गया, जो हमारे रिसोर्सेज थे वो क्या हो गए, सस्ते हो गए। अब उसको और सस्ता कर दिया कंटेनर ने। अब तक क्या था, हम हार्डवेयर से वर्चुअलाइज किया, VMware आया, VMware का भी एडवांस वर्जन आया डॉकर, इसने और सस्ता कर दिया। यानी आप कहें कि जो हम लोग AWS पे इंस्टांसेस इस्तेमाल करते हैं वो भी महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू कंटेनर, क्योंकि आप इंस्टांसेस के पैसे देते हैं, चाहे वो आप पर आवर के हिसाब से दें, पर मिनट के हिसाब से दें, पर सेकेंड के हिसाब से दें, बट उसके कंपेरिजन में कंटेनर और भी सस्ता है, बहुत सस्ता है। ठीक है, तो यहां पर क्यों सस्ता है, क्योंकि यहां कोई पहले से आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको कोई रैम मुझे नहीं देनी है, आपके ऊपर कोई OS मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, कोई काम मुझे नहीं करना है, तो ये क्या होता है, ये बेहद सस्ता होता है। ठीक है, उसके बाद इट इज लाइट इन वेट, इसका वजन बड़ा हल्का होता है, हालांकि मैं बड़ा भारी हूं, बड़ा मोटा ताजा बंदा हूं, लेकिन ये बड़ा लाइट वेट होता है। लाइट वेट से मतलब क्या, लाइट वेट से मतलब होता है ऐसी एप्लीकेशन जो आपके लैपटॉप के कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करती हैं।
बात समझ आ रही है? जो लोग नॉन टेक्निकल हैं दोबारा ध्यान दें, लाइट वेट एप्लीकेशंस का मतलब होता है ऐसी एप्लीकेशन जो चलने के लिए कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं। अब जैसे कि हम लोग हैं ना, और हम हैं और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुल्क के, जब वो चलते तो वो हैवी वेट है, वो हैवी वेट है। क्यों है हैवी वेट? क्योंकि जब वो चलते हैं ना तो उनके पीछे 100 पुलिस वाले चलते हैं, आगे 10 गाड़ियां चलती हैं, एम्बुलेंस चलती है, फायर ब्रिगेड चलती है, वो तामझाम लेके चलते हैं। यानी एक बंदा चलने के लिए पूरी सड़क को घेर के चल रहा है और पूरे एक हजूम को लेके चल रहा है। लेकिन हम क्या है, हम लाइट वेट है, हम कहीं भी ऐसे ही निकल जाते हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता, हम ज्यादा जगह नहीं घेरते। जब एक प्राइम मिनिस्टर सड़क से निकलता है ना, सड़क बंद कर दी जाती है, तो दैट इज हैवी वेट। ऐसे जो एप्लीकेशंस होती है, कई एप्लीकेशन होती हैं जो खुद को चलाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस का सपोर्ट लेती हैं, बहुत सारी रैम कंज्यूम करती हैं। आपने देखा होगा नॉर्टन एंटीवायरस जो होता है ना, उसे हैवी माना जाता है इन कंपैरिजन टू अदर एंटीवायरस। क्यों? क्योंकि वो ना बड़े सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है जब वो चलता है, बैक एंड पे रन करता है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में होती हैं जो रन कर रही होती हैं, जैसे एंटीवायरस है या कोई और स्कैनर है, या अगर आपने म्यूटोरेंट डाला हुआ है वो डाला हुआ है, ये सारी बैक एंड पे रन करती रहती हैं। और ये बड़ी हैवी वेट होती हैं क्योंकि ये आपके रैम कंज्यूम कर रही होती हैं, आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही होती हैं। बजाय उसके जो कंटेनर होता है, जो डॉकर होता है, ये लाइट वेट है, ये रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करता है। ना इसे रैम चाहिए बेचारे को, ना इसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, फिर भी ये काम करके दे देता है। ये वही एक सिंपल सा एम्प्लॉय हमारी कंपनी का, जो ना इंक्रीमेंट मांगता है ना छुट्टी मांगता है, चार सारे दिन गाली भी सुनता है और बेचारा काम भी टाइम पे करके देता है। ऐसे जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो बड़े पसंद आते हैं बॉस को, कंपनी को, कि यार ये बंदा बड़ा सही है, मैं इस पर डेली गुस्सा भी निकालता हूँ, घर के बीवी से लड़के आया होता हूँ, गुस्सा इस पर निकालता हूँ, बेचारा कुछ कहता ही नहीं है, है ना। तो ऐसे एम्प्लॉयों की भी बड़ी वो होती है। तो ये लाइट वेट एम्प्लॉय होते हैं। ऐसे ये जो कंटेनर है ना, ये ऐसा ही लाइट वेट है, बेचारे को कोई मतलब, ये कहते हैं ना, कोई उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन ही जीरो है, उसे कुछ नहीं चाहिए फिर भी काम करके दे रहा है। अच्छा, इट कैन रन ऑन फिजिकल हार्डवेयर, वर्चुअल हार्डवेयर और ऑन क्लाउड। डॉकर आप कहीं भी चला सकते हैं, आप अपने फिजिकल हार्डवेयर पे चला सकते हैं, आप लैपटॉप के ऊपर आप चला सकते हैं। डायरेक्ट डॉकर एक टूल आएगा, वो आप इंस्टॉल कर ले, चल जाएगा, लिनक्स पे भी चल जाएगा, विंडो पे भी चल जाएगा। कई सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि सर आपने एक बात हमें बताई थी कि यहां से 95% ये जो OS है ये यहां से उठाता है, लिनक्स कर्नल से उठाता है, क्योंकि हमारा जो OS है वो लिनक्स है, आपने उसका एग्जाम्पल दिया था, और 5% ये इमेज में से लेता है। तो लोगों ने कहा कि सर अगर यहां ये OS विंडो होगा तो उस केस में तो ये 5% से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम तो विंडो OS चला रहे हैं, और विंडो OS जब चला रहे हैं तो डॉकर को जो 95% लिनक्स की फाइल चाहिए जो वो यहां से उठाता था, अब वो कैसे उठाएगा, क्योंकि यहां तो विंडो चल रहा है, तो विंडो के पास तो वो फाइल ही नहीं है। तो क्या हमारी जो इमेज होगी वो अब हम पूरी 100% हप्पे से उठाएंगे, डॉकर हप्पे से हम पूरी जो इमेज उठाएंगे, और अब वो इमेज भारी होगी, हैवी होगी, यानी साइज में बड़ी होगी? तो ये कई लोगों ने सवाल किया। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, डॉकर को डिजाइन लिनक्स के लिए किया गया, नेटिवली जो डॉकर डिजाइन हुई है वो लिनक्स के लिए हुई है, और ये 99% इंडस्ट्री के अंदर लिनक्स पे ही चलती है, विंडो पे हम कभी नहीं चलाते, पहली बात। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि अगर हम इसे विंडो पे चला रहे हैं, ठीक है हमारा विंडो है, तो क्या हमारी जो इमेज है फिर डॉकर कहां से होगा? बिल्कुल सही बात है, अगर आप विंडो चला रहे हैं, अभी क्या हुआ है, डॉकर ने एक अपडेट दिया है जिसके अकॉर्डिंग विंडो 10 के 3 वर्जन है मेरे ख्याल से, एक प्रो है, एक एंटरप्राइज है, और एक वर्जन और है इनका। 3 वर्जन जो है विंडो 10 के, विंडो 10 से पुराने पे डॉकर सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप विंडो 8 चला रहे हैं, 8.1 चला रहे हैं, विंडो 7 चला रहे हैं, वहां पे डॉकर सपोर्ट नहीं करता है। विंडो ने पहली बार, या आप कह लें डॉकर ने पहली बार विंडो सपोर्टेड इंजन अपना निकाला है कि अब हमारा डॉकर जो है वो विंडो पे चल सकता है। विंडो 10 से उन्होंने ये वर्जन निकालना शुरू किया है। विंडो प्रो पे चलेगा, एंटरप्राइज पे चलेगा, विंडो होम पे आपका डॉकर सपोर्ट नहीं करता है। आपको जुगाड़ तिगाड़ करने पड़ेंगे, हो तो जाएगा ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली वो विंडो 10 पे सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा कंडीशन ये होती है कि आपका जो लैपटॉप है वहां पे हाइपर वी
इनेबल होना चाहिए, विंडो 10 के अंदर ये इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट, वो आपको सेटिंग में चेक करना पड़ेगा। हाइपर वी इनेबल होना चाहिए, आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल होना चाहिए। ये कहाँ पता चलता है, इसकी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको, मेरे लैपटॉप में विंडो होम है इसीलिए मैं वहां पे ये आपको प्रॉपरली रन नहीं करके दिखा पाऊंगा, मैं AWS में करके दिखाऊंगा। बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, फ्यूचर में आई विल ट्राई कि मैं आपको कहीं पे दिखा दूं ये चीजें करके, बट आपने याद रखना है कि ये विंडो 10 के सपोर्ट में है। विंडो 10 पे डॉकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए एक डॉकर टूल आता है, एक फाइल आती है, आप सॉफ्टवेयर ही कह लें उसे, वो आपको अपने विंडो पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप डॉकर पे एक अकाउंट बनाएंगे अपना, डॉकर की वेबसाइट पे जाके उस अकाउंट को वहां लॉग इन करेंगे, तो आपका जो लैपटॉप है वो अब डॉकर हब से कनेक्ट हो जाएगा। जब वो डॉकर हब से कनेक्ट हो जाएगा तो अब आप कुछ भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं उसके थ्रू, कोई भी हब, कोई भी कंटेनर अपनी विंडो मशीन पे बना सकते हैं। अब सवाल आपका जो था कि ये जो वाले सवाल आपका था कि OS जो है, अगर मेरा विंडो है तो क्या मैं यहां जो है डॉकर जो है मैं इंस्टॉल कर सकता हूं? आप नहीं कर सकते, मतलब लिनक्स वाला अगर आपका है, आप लिनक्स कंटेनर बनाना चाहते हैं, ये बना सकते, ये काम आप कर सकते हैं कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके लैपटॉप में, आपने एक डॉकर टूल जो है वो डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप कंटेनर में लिनक्स चला रहे हैं, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अब सवाल वो ये, आप कहेंगे कि ये जो है अब ये फाइलें कहां से उठा रहा है, तो वो जो आपने टूल डाउनलोड किया है ना, जो टूल आप डाउनलोड कर रहे हो उसमें वो लिनक्स फाइल है। लिनक्स का साइज ही छोटा होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो की तरह हैवी नहीं होता पहली बात, तो वो सारी फाइलें डॉकर टूल के अंदर होती हैं, ठीक है, और डॉकर ने अपना वर्जन निकाल दिया है अब विंडो के लिए, तो आप अपने लैपटॉप पे पहले डॉकर टूल इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप लिनक्स कंटेनर बना सकते हैं अपनी विंडो के ऊपर भी। बट प्रैक्टिकली डॉकर लिनक्स के लिए होता है, डॉकर को लिनक्स पे ही इजिली आप कह सकते हैं टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा मैं डिसएडवांटेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताऊंगा जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हालांकि आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, विंडो पे आप डॉकर चला सकते हैं, वो डॉकर फाइलें आप कहां से उठाएगा, जो डॉकर टूल आप इंस्टॉल करोगे वहां वो लिनक्स की फाइलें पड़ी होंगी, 100% फाइलें वहीं पड़ी होंगी, ठीक है, उस टूल के अंदर वो फाइलें पड़ी होंगी, तो अब वो विंडो से नहीं लेगा अपनी सपोर्टेड फाइल, टूल से लेगा, टूल के अंदर लिनक्स की फाइलें होती हैं जो जो उसको चाहिए। और अब वो इस तरीके से आया है, वो विंडो 10 का जो डॉकर आता है ना, डॉकर फॉर विंडोज नाम से आता है, तो वो होता ही इस तरीके से है, वो डिजाइन ही इस तरीके से है कि वो विंडो पर भी चल सके, तो अब उसे ओएस की, फिर लिनक्स ओएस की जरूरत नहीं है, वो विंडो पर भी चल जाएगा, वो उस तरीके का वर्जन मार्केट में आ गया, तो अब आपने परेशान नहीं होना, तो वो चल सकता है, इवन मैक पे भी चल जाएगा, मैक पे भी चलता है, मैक का वर्जन भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक बात हो गई। अब इट कैन रन ऑन फिजिकल हार्डवेयर और क्लाउड पे भी चल सकता है, यू कैन रीयूज द इमेज। आपने एक कंटेनर बनाया, अब मैं जरा इसकी बात कर लेता हूं। अब देखें, आपने एक कंटेनर बनाया, यहां पे मैं कहता हूं कि ये मेरा हार्डवेयर है, होस्ट है, इसे होस्ट लिख लेते हैं हम, होस्ट के ऊपर हमने ओएस बना दिया, ओएस के ऊपर हमने डॉकर इंस्टॉल कर दिया और उसके ऊपर हमने कंटेनर बना दिए। अब मेरा ये जो कंटेनर है, इसे मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कहता हूं जी मैं डॉकर हब के पास गया और डॉकर हब से मैंने उबुंटू की एक इमेज उठाई और वो उबुंटू की इमेज मैंने पहले मेरी डॉकर में आएगी इमेज, उस इमेज को मैं अब यहां पर लेकर आऊंगा, ये वाला हिस्सा जो है ये इमेज है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जब डॉकर हब से इमेज लाते हैं तो पहले वो इसे अपने पास स्टोर कर लेता है, यानी जो डॉकर इंजन है वो उस इमेज को अपने पास रख लेता है और उस इमेज की एक कॉपी कंटेनर बनाने में इस्तेमाल करता है। इसे आप ऐसा समझें कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप, मैं अपने दोस्त के साथ मूवी शेयर कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये एक मूवी है नई आई है, इसे ना एक काम करो मेरे दोस्त को दे देना जब तुम जाओ, मैं कहूंगा यार ये मूवी तो मुझे भी चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगा पहले उस मूवी को अपने पास कॉपी कर लूंगा, अब उसको अब दोस्त के पास भी दे दूंगा कि लो भाई तुम्हारे लिए आई थी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कोई और मांगेगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं उसे ये नहीं कहूंगा जाओ उस बंदे से ले लो वो मेरा दोस्त है उसके पास पड़ी है, मैं कहूंगा अब तो ये मेरे पास भी है तुम मेरे से ले लो। या आप ऐसा समझे कि कोई ऐसी चीज है जो बार बार कोई बंदे को चाहिए, कोई ऐसी फाइल है ऑफिस के अंदर जो सब मांगते हैं आपसे, तो आप क्या करेंगे, आप हर बार उसको डाउनलोड नहीं करेंगे, आप उसकी कॉपी बना के अपने पास रख लेंगे ताकि अगली बार से कोई आपसे मांगे तो आप सीधा अपने पास से ही दे दो, आपको डाउनलोड ना करनी पड़े या किसी से मांगनी ना पड़े। तो इसीलिए डॉकर इंजन क्या करता है, जब आप कोई फाइल
उबुंटू इमेज मंगाते हैं तो वो पहले उसकी एक इमेज अपने पास भी रख लेता है फ्यूचर के लिए, ताकि अगली बार उसे हब पे ना जाना पड़े, और अगली बार कोई उबुंटू कंटेनर बनाए तो वो हब पे ना जाके डायरेक्ट खुद से ही क्रिएट कर दे, सेकंडों में क्रिएट कर देगा। तो जो टाइम फर्स्ट टाइम लगेगा उतना टाइम अगली बार नहीं लगेगा उबुंटू कंटेनर बनाने में, क्यों? क्योंकि अब की बार वो इमेज डॉकर हब में, डॉकर इंजन के पास पड़ी हुई है। तो इसीलिए इसने ये इमेज ली, उसकी एक इमेज तो इसने अपने पास रख ली, एक इमेज इसने कंटेनर बनाने में इस्तेमाल करी, और यहां पे इसने कंटेनर रन करा दिया उबुंटू, उबुंटू रन हो गया, यानी अब ये इमेज से रन हो गया। अब मैंने इस उबुंटू कंटेनर के ऊपर फॉर एग्जांपल 1000 सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर दिए, रन कर दिए, सब कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया, एक प्रॉपर जैसा भी होना चाहिए एक मशीन, मशीन के पास जो जो टूल होने चाहिए, गिट इंस्टॉल होना चाहिए या शेफ इंस्टॉल होना चाहिए, शेफ वर्क स्टेशन होना चाहिए, व्हाटएवर जो भी होना चाहिए, सपोज मैंने वो 1000 सॉफ्टवेयर अब इस मशीन के ऊपर डाल दिए। अब ऐसा ही एक कंटेनर जिसमें 1000 सॉफ्टवेयर प्रॉपर हो, सब कुछ हो, मैंने तो बड़ी मेहनत करी सारे काम को करने में, अब जैसे मैंने ये नोट्स बनाने में बड़ी मेहनत करी, लेकिन आपने क्या करा, आपने खाली अपने लैपटॉप में प्रिंट स्क्रीन दबाया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके पास आ गए, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपने क्या किया, मैं तो कंटेनर हूं बेचारा रन कर रहा हूं, आपने उसकी इमेज ले ली स्क्रीनशॉट करके, आपके पास भी वही चीजें आ गई। तो अब वही मतलब यहां पर है कि अब जब कोई अगला बंदा को सेम मशीन कंटेनर चाहिए, उसे भी सेम कंटेनर चाहिए, उबुंटू होना चाहिए उसमें, और उबुंटू के ऊपर ये 1000 सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तो क्या अब वो भी ये सारा काम करेगा कि वो पहले उबुंटू इमेज से एक उबुंटू कंटेनर बनाएगा, फिर उसमें एक एक करके वो इंस्टॉल करेगा वो सारे सॉफ्टवेयर? नहीं, अगर ये सारी चीजें मेरे पास है और मुझे लगता है कि उस बंदे को सेम चीजें चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एक इमेज बना लूंगा, ठीक है, एक इमेज बना लूंगा, और वो इमेज मैं उस बंदे के साथ शेयर कर दूंगा, और जब वो उस इमेज से अपना कंटेनर बनाएगा तो वो 1000 सॉफ्टवेयर अपने आप वहां पे आ जाएंगे, अब उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इमेज को रीयूज कर लिया, मैंने अब इस इमेज से इसको रीयूज किया, अब कोई और बंदा है उसने भी एक कंटेनर बनाया, यहां पे उबुंटू है और यहां पर भी 1000 सॉफ्टवेयर आ गए। अब ये इमेज कई जगह यूज हो सकती है, जहां चाहो जितने बंदों को चाहो वो इस इमेज से अपनी अपने कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, उन कंटेनर में उबुंटू भी होगा और ये 1000 सॉफ्टवेयर भी होंगे। ये बात समझ आ रही है? एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कंटेनर में कर सकते हैं, इमेज में नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ आ रही है? आप इमेज में चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज क्या होती है, किसी चीज की फोटो होती है। मैं फोटो खींचने से पहले अपने आप को चेंज कर सकता हूं, मुझे ऐसे खड़े होना है कि ऐसे खड़े होना है, लेकिन एक बार फोटो खिंच गई फिर उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, फिर अगर मैं उसमें ऐसे आ रहा हूं तो ऐसे ही आऊंगा, ऐसे नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब फोटो खिंच जाती है वो वैसे ही होती है, तो इमेज में चेंजेस नहीं किए जा सकते, ये आप याद रखिएगा। जब चेंजेस करने हैं तो आपको पहले उस इमेज को रन कराना पड़ेगा कंटेनर बना के, फिर अगर आप उसमें से सपोज करें 1000 में से आप 500 सॉफ्टवेयर नहीं चाहते तो उन 500 को डिलीट कर दो, अब उसमें 500 ही रह गए। अब आप इस कंटेनर की एक इमेज बना लो जिसमें कि 500 सॉफ्टवेयर अब खाली है, तो अब जो आपकी इमेज बनेगी उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ 500 सॉफ्टवेयर होंगे। तो आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, आपको कोई सॉफ्टवेयर हटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो आप कंटेनर में कर सकते हैं, इमेज में चेंजेस नहीं होते, क्योंकि इमेज क्या है, स्क्रीनशॉट है आपकी मशीन का, टेम्पलेट है, टेम्पलेट हमने AWS क्लाउड पढ़ा है, वहां पर टेम्पलेट होते थे, AMI होते थे, अमेजन मशीन इमेज, तो आप वैसा समझें, AMI जैसा बन गया उससे मशीन जो बनेगी, उससे इंस्टांस जो बनेगा वो सेम टू सेम वैसा बनेगा। आप अब उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, चेंजेस तब कर सकते हो जब इंस्टांस रनिंग है, आप उसमें चाहो तो नया सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब इट टुक वेरी लेस टाइम टू क्रिएट कंटेनर, और यहां पर टाइम भी बहुत कम लगता है, जितना VMware टाइम लेती है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में, उससे बेहद कम टाइम में कंटेनर क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ बुनियादी एडवांटेजेस थी जो मैंने आज बहुत डिटेल में आपको बताई हैं। इसके बाद अब मैं डिसएडवांटेजेस यहां पर डिस्कस कर लेता हूं एक बार आपके साथ। अब देखें, एडवांटेजेस से ज्यादा ये जरूरी है कि आपको ये मालूम हो कि डॉकर की डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि एडवांटेज तो हर कोई बोल देगा, क्योंकि आपको पता है जब एडवांटेज की बात आती है, जब हम कॉलेज में भी थे तो कुछ भी ना दिमाग में आए और किसी सॉफ्टवेयर की कोई एडवांटेज पूछे तो हम पूछते थे इट इज यूजर फ्रेंडली, इट इज वेरी फास्ट, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये ऐसे मतलब रिसोर्सेज, ऐसे आंसर है जो हर जगह फिट हो जाते हैं, है ना। तो
आपसे एडवांटेजेस कोई नहीं पूछेगा, आपसे तो लोग ये पूछेंगे अच्छा ये बताइए डॉकर की लिमिटेशन क्या है, ये आपसे बेहद बुनियादी सवाल है जो पूछा जाएगा। तो डॉकर की लिमिटेशन पता होना बेहद जरूरी है। देखिए डॉकर की लिमिटेशन क्या है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करता। अब इसके साथ इशू आते हैं, बड़े सारे इशू इसके साथ आते हैं। इशू ये आता है, अभी मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि आपने विंडो के ऊपर अगर आप डॉकर चला रहे हैं और आप अपनी कोई एक एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, बनाई है आपने डॉकर कंटेनर में, अब उसको आपको सपोज करें डेवलपर ने, ये मेरा एक डेवलपर है, डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने होस्ट के ऊपर अपना एक ओएस है और वो ओएस है विंडोज, फॉर एग्जांपल विंडोज के ऊपर उसने डॉकर को इंस्टॉल कर लिया, डॉकर टूल को इंस्टॉल कर लिया और उसने दो कंटेनर बना दिए, कंटेनर वन और कंटेनर टू। अब जब आप इस कंटेनर वन की इमेज को आगे भेजेंगे तो ये रिक्वायर्ड है कि जो डेवलपर है, ये डेवलपर अब ये आगे भेज रहा है टेस्टिंग टीम के पास, तो ये रिक्वायर्ड है कि टेस्टिंग टीम के पास भी यहां पर विंडो चल रहा हो, तब तो ये कंटेनर बहुत, ये इमेज जो है कंटेनर बन जाएगी और बहुत अच्छे से काम करेगी, सेम टू सेम कंटेनर यहां पर रन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर विंडो ना चलकर लिनक्स चल रहा है तो फिर मसला है। अगर आपने जो एप्लीकेशन बनाई है वो विंडो के लिए बनाई है और आप उसको रन लिनक्स पे करा रहे हैं या आगे टेस्ट लिनक्स पे कर रहे हैं तो ये कंपैटिबिलिटी यहां अवेलेबल नहीं है। कंटेनर जिसके लिए बना होता है, जिस विंडोज ओएस के ऊपर वो बना होता है, आगे भी उसी एनवायरमेंट पे वो कंटेनर रन करता है, यानी सेम होना चाहिए। यहां विंडो पे बना रखा है, यहां भी विंडो पे ही आप बनाइए तब वो कंटेनर आपका रन करेगा, ठीक है। यानी जिस चीज पे वो बनाया गया है आगे भी वो उसी चीज पे रन करेगा, ये एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। यहां पे अब आप कहेंगे क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, वो सारा काम किया जा सकता है, बट बुनियादी लेवल पे आप इतना समझ लें। तो ये एक बात हो गई। तो डॉकर डज नॉट प्रोवाइड, मैं कहां पे था, हाँ तो मैं पहले डिसएडवांटेज की बात करता हूं फिर आगे चलते हैं। डॉकर इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स रिच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसी एप्लीकेशन जिनमें बहुत ज्यादा ग्राफिकल यूजर या ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा होता है, जैसा विंडो का होता है। विंडो में क्या होता है, क्लिक किया ओपन हो गया, राइट क्लिक किया उसमें ऑप्शन आ गए आपने डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया न्यू फोल्डर बना लिया, यानी कमांड नहीं नहीं पड़ती, बस देखो क्लिक करो काम हो गया, ठीक है ना, सब कुछ दिख रहा होता है, उसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां हर चीज दिख रही होती है और हमें बस क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस अगर आपको बनाना है, इस तरह की एप्लीकेशन आपको बनानी है, तो डॉकर का सजेशन हम नहीं देते, उसके लिए फिर आप वीएम के काम करिए। डॉकर इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, डॉकर उन एप्लीकेशंस के लिए बढ़िया है जहां कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है, यह एक बात आप ध्यान रखिएगा। Difficult to manage large amount of container. जब container बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनको manage करना मुश्किल होता है, ये भी एक इसका disadvantage है, पर बहुत बड़ा disadvantage नहीं है क्योंकि manage हम करेंगे आगे। Docker does not provide cross-platform compatibility, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि cross-platform compatibility नहीं है। मतलब क्या है, इफ एन एप्लीकेशन इज डिजाइन टू रन इन अ डॉकर कंटेनर और विंडो, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है विंडोज के ऊपर और वो मैंने विंडोज के लिए बनाई है, वो मैंने स्पेसिफिकली क्योंकि मैं विंडो के ऊपर बना रहा हूं, मेरा ओएस भी विंडो है, मैंने इसी फाइल का इस्तेमाल करके मैं सब कुछ कर रहा हूं, या आप ये कहें कि मैं कोई एप्लीकेशन विंडोज के लिए बना रहा हूं तो वो विंडो पे ही चलेगी, आप ये कह सकते हैं क्योंकि इस एग्जांपल में आप पूरा फिट नहीं है, आप अभी आपको समझ आएगा। आप ये कहें कि अगर मैं विंडो के लिए बना रहा हूं, इफ एन एप्लीकेशन इज डिजाइन टू रन इन अ डॉकर कंटेनर और विंडोज, जो विंडो के डॉकर कंटेनर पर चलने के लिए बनी है तो वो लिनक्स के डॉकर कंटेनर पर नहीं चलेगी, ठीक है। तो यानी अगर यहां विंडोज के कंटेनर पर चलने के लिए बनी है तो वो लिनक्स के डॉकर कंटेनर पर नहीं चलेगी, ये आपको याद रखना है। एक और चीज इसी से मिलती जुलती है, सेम ही बात है बट मैंने दोबारा लिखी है, डॉकर इज सुटेबल व्हेन द डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपसे तरीके तरीके से पूछा जाएगा। कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है आपको ये बात तो आप कह रहे हो कि विंडो पे चल रहा है तो वो लिनक्स पे नहीं चलेगा, अब अगर यहां पर उबुंटू चल रहा है, यहां पर उबुंटू चल रहा है और यहां पर सेंटोएस चल रहा है, ये मेरा डेवलपर है और ये मेरा टेस्टिंग टीम है ना, या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है या ऑपरेशंस आप कह ले, ऑप्स है, ऑप्स टीम है, ऑपरेशन टीम है, तो अब डेवलपर उबुंटू पे बना रहा है ये काम, उबुंटू भी लिनक्स का ही फ्लेवर है, लिनक्स का ही एक पार्ट है, या आप कह लें मैक्सिमम फाइल यूज करता है, सेंटोएस भी लिनक्स का ही हिस्सा है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो
अब अगर ये Ubuntu पे बना रहा है कंटेनर और ये CentOS पे बना रहा है, तो क्या अब सपोर्ट करेगा, क्या अब ये कंटेनर यहाँ पे प्रॉपरली काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, Docker is suitable when the development OS and testing OS are same, दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना जरूरी है। जी हाँ, अब आप कहेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ कंटेनर का? फायदे यार बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंसान की लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये बेवफा है, ये बड़ा अच्छा काम का बंदा है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि आपने Ubuntu उसको देना पड़ेगा, दोनों तरफ Ubuntu होना चाहिए, डेवलपर साइड पे भी, ऑप्स साइड पे भी। ठीक है, Ubuntu पे आप रन कराएं, फाइलें हैं नहीं है उसकी टेंशन नहीं है, फाइलें वो हब से उठा लेगा। अब वैसे भी हम इमेज शेयर कर रहे हैं तो इमेज तो रन हो जाएगी, लेकिन इमेज रन तब होगी जब दोनों तरफ आप सेम OS चला रहे हैं। ठीक है, आप इमेज को इजीली रन करा सकते हैं, पर दोनों तरफ आपने OS सेम रखना है, Ubuntu ही चलाना है, CentOS नहीं चलाना। CentOS चलाओगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो आपको कुछ डिपेंडेंसी फाइल दोबारा से हब से उठानी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है Ubuntu के पास कुछ और फाइलें पहले से होती हो, क्योंकि देखिए हर लिनक्स के अंदर ना, जैसे विंडो 8 की बात करूं, 10 की बात करूं, तो विंडो 8 में कुछ ऐसे चीजें हैं जो पुरानी है, विंडो 10 में उसका अपडेटेड चीजें हैं, या विंडो 10 में सपोर्ट अवेलेबल है, जैसे हाइपर वी है, बहुत सारी चीजें जो 8 में नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो Ubuntu में तो होती है पर CentOS में नहीं होती। तो मैंने तो अपना कंटेनर Ubuntu पे बनाया है, तो अब वो CentOS में, क्योंकि वो फाइलें ही नहीं होती, Ubuntu में होती है पहले से, तो यहां तो चल गई, CentOS में नहीं चलेगी। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जिस OS को डेवलपर इस्तेमाल कर रहा है, टेस्टिंग टीम या ऑपरेशन टीम भी उसी OS का इस्तेमाल करे। Ubuntu पे काम हो रहा है तो Ubuntu ही वो बंदा चलाए, Ubuntu पर ही वो उस कंटेनर को रन कराए। तो और हालांकि इतना मुश्किल काम नहीं है, OS ही तो है, आप चला लें OS को, कहीं भी चला लें, मिल जाएगा आपको, क्लाउड पे मिल जाएगा। लेकिन ये एक लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, आप इसको लिख के रख लें, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Docker is suitable when the development OS and testing OS are same। OS का मतलब सेम है, Ubuntu होना चाहिए, Linux और Windows की बात नहीं कर रहा। Linux में भी अगर Ubuntu इस्तेमाल कर रहे हो तो दोनों के पास Ubuntu होना चाहिए, CentOS इस्तेमाल कर रहे हो तो डेवलपमेंट और टेस्टिंग में CentOS इस्तेमाल होना चाहिए। यह बात समझ आ रही है? सही है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उस पर नहीं जा रहा मैं। हो सकता है कुछ लोग जो काम कर रहे हैं Docker में, वो कहें कि सर इस चीज की हेल्प से ऐसा पॉसिबल है, वैसा पॉसिबल है, वो बातें ठीक है। बुनियादी लेवल पे आप अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए इतना याद रखें जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब चले अब इसके आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। अब जरा Docker आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं कि Docker आर्किटेक्चर या वर्कफ्लो कैसा होता है, कैसे कैसे Docker का एक सिनेरियो है, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा भाई Docker कैसे काम करता है, जरा आप मुझे समझाएं, या किस तरीके से Docker कंटेनर क्रिएट होता है, तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो डेवलपर होगा मेरा, जो डेवलपर होगा, ये मेरा एक डेवलपर है, ठीक है, बेचारा बड़ा दुखी है, ठीक है। अब ये डेवलपर क्या करेगा, ये एक Docker फाइल बनाएगा। क्या बनाएगा? Docker फाइल। क्या होती है, मैं आपको इनके सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिलहाल आप ये देखें कि ये एक Docker फाइल बनाएगा। Docker फाइल बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेफ के अंदर हम क्या बनाते थे, रेसिपी बनाते थे, ठीक है। रेसिपी क्या होती है कि भाई शाही पनीर बनाने के लिए मेरे को पनीर भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो अब ऐसे ये कहेगा कि मुझे जो कंटेनर बनाना है उसमें मुझे Ubuntu चाहिए, Ubuntu के साथ मुझे गिट इंस्टॉल चाहिए, मुझे शेफ इंस्टॉल चाहिए, शेफ वर्क स्टेशन उसमें होना चाहिए, मुझे उसमें और कोई फलाना फाइल्स चाहिए, तो वो जितने मुझे उसमें चार डायरेक्टरी चाहिए इस नाम से, मुझे उसमें ये नाम से फाइल चाहिए, तो जो भी सारी चीजें हैं वो अपनी फाइल में लिख देगा, इसमें एक कोड लिख देगा, रिक्वायरमेंट लिख देगा। ये बहुत इजी होता है लिखना, Docker फाइल बनाना मुश्किल काम नहीं है, आपको खाली अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है, ठीक है। आपको कोई कोड नहीं लिखना है कोई प्रोग्रामिंग में, ऐसा कुछ नहीं, आपको खाली अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, एक फॉर्मेट होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख दें, उसको कहा जाता है Docker फाइल। यानी Docker फाइल में क्या होता है, Docker फाइल में डिपेंडेंसीज होती हैं आपकी, जो जो आपको चाहिए, डिपेंडेंसीज एंड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स, आप कह सकते हैं मुझे जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, डिपेंडेंसीज चाहिए, वो सारी चीजें मैं Docker फाइल में लिख देता हूं। अब Docker फाइल पे लिख दी, अब ये Docker फाइल जब एग्जीक्यूट करूंगा मैं, जब ये रन कराऊंगा Docker इंजन पे, क्योंकि Docker फाइल कहां चलेगी, Docker इंजन पे ही चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो Docker इंजन तो आपने पहले से अपनी मशीन पे बना रखा है, आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अब चाहे वो विंडो पे कर रखा हो, चाहे वो लिनक्स पे कर रखा हो, तो वहां आप अपना Docker फाइल रन कराएंगे। जैसे ही आप अपनी Docker फाइल रन कराएंगे, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी,
मैंने आपको बताया सबसे पहले वो इंजन क्या करेगा, इमेज बना के अपने पास रख लेगा ताकि अगली बार कोई यही फाइल मेरे से मांगने लगे, यही चीज मेरे से मांगने लगे तो मैं उससे उठा के तुरंत दे दूं, है ना। तो वो क्या करेगा, इस डॉकर फाइल से एक इमेज क्रिएट करेगा और उस इमेज से वो क्या क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा एक कंटेनर, ठीक है। अब वो कंटेनर आपका रन करेगा, उस कंटेनर के अंदर ये सारी चीजें चल रही होंगी, उबंटू भी चल रहा होगा, डायरेक्टरी भी बन जाएंगी, फाइल भी बन जाएंगी, जो जो कुछ आपने यहां लिखा होगा सब कुछ यहां पे आपको नजर आएगा। कंटेनर चल गया, आपने अपना काम कर लिया, परफेक्ट काम आपका चल रहा है, तो आपने अपना कंटेनर बना लिया। अब आप कहते हो यार ये जो फाइल है ना, ये जो मैंने इमेज बनाई है, ये फ्यूचर में अभी और बंदों भी इस्तेमाल करेंगे, उनके भी काम आएगी। मैंने ये जो इमेज बनाई है इसमें इतनी मेहनत करी है, इस फाइल से मैंने इमेज बनाने में, अब मैं नहीं चाहता कि बाकी बंदों को मेहनत करनी पड़े, तो मैं कहता हूं मैं एक काम करता हूं, मैं इस इमेज को ना डॉकर हब पे डाल देता हूं, ठीक है। डॉकर हब के ऊपर मैं इसे अपलोड कर देता हूं, ठीक है, डॉकर हब के ऊपर। जैसे हम वहां क्या करते थे, गिट हब पे इंस्टॉल करते, अपना कोड बनाते थे और गिट हब पे डाल देते थे ताकि वहां से दूसरे बंदे पुल कर लें और वो उस कोड को उठा के अपने यहां रन कराते थे या कर सकते थे। ऐसे शेफ में हम क्या करते थे, शेफ सर्वर के ऊपर डाल देते थे। ऐसे यहां पे इमेज बनाने के बाद हम कहां पे डाल देंगे, डॉकर हब के ऊपर डाल देंगे। लेकिन ये राइट्स उन्हीं के पास होते हैं जो एंटरप्राइज वर्जन है, जिनके पास इसका पेड वर्जन है, ठीक है। इसमें भी दो प्राइवेट और पब्लिक आते हैं। तो अब मैं वो इमेज बना के डॉकर हब पे डाल सकता हूं। आप इसे डॉकर हब भी कह सकते हैं, इसे रजिस्ट्री भी कहा जाता है, रजिस्ट्री, ठीक है, डॉकर हब। तो डॉकर हब के ऊपर मैंने अपनी इमेज क्या करी, मैंने यहां पे जाके अपलोड कर दी। अब ये इमेज हब के ऊपर आ गई। अब बाकी फ्यूचर में कोई भी बंदा बनाना चाहता है और वो कोई इमेज सर्च करता है, सपोज मैंने इमेज का नाम दिया हुआ है उबंटू वर्जन 2 या Ubuntu version 2.1, for example ऐसे किसी नाम से मैंने डाली है, या मैंने Ubuntu plus मैंने लिख दिया, Ubuntu plus git इस तरीके से। तो अब जब कोई बंदा ये चीज सर्च करेगा हब में या उसको यही चीज चाहिए होगी तो क्या करेगा, वो मेरी इमेज उठाएगा और उसको पुल करेगा, पुल करेगा डॉकर हब पे से, उठाएगा और क्या करेगा, अब वो एक इमेज अपने यहां बनाएगा, इमेज उसके यहां बनेगी, उसकी मशीन पे भी पहले क्या बनेगी, इमेज बनेगी उसको, क्योंकि उसके वहां भी डॉकर इंजन चल रहा होगा, वो भी पहले ये चीज अपने पास रख लेगा कि भैया मेरे से कोई और मांगे तो मैं भी दे दूं, तो ये भी अपने पास रख लेगा और इस इमेज से ये क्या बनाएगा, ये भी एक कंटेनर यहां पे बना देगा। ऐसे ही किसी और बंदे को चाहिए, वो भी पुल करेगा डॉकर हब पे से और वो भी क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा पहले इसकी, डॉकर इंजन जो है इसकी एक इमेज बना लेगा और उसके बाद डॉकर इंजन क्या करेगा, एक कंटेनर क्रिएट कर देगा। सो दिस इज द वर्क फ्लो, इस तरीके से ये काम होता है। यानी एक बार आपने मेहनत करी, एक बार आपने रिक्वायरमेंट करी, अगली बार इन लोगों को वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, इन्होंने तो सीधा यहां से बना बनाया पक्का पकाया सामान उठाया और अपने यहां कंटेनर रन करा लिया। यानी फाइल आपको एक बार बनानी है, मेहनत आपको एक बार करनी है, और आजकल तो वो भी नहीं करनी, क्यों, क्योंकि सब कुछ हब पे पड़ा हुआ है ना। आपको अगर कोई ऐसी चीज चाहिए तो अब आपको भी क्या जरूरत है, आप पहले हब में जाके चेक कर लो मुझे जो चाहिए वो हब पे पड़ा है क्या, पड़ा है तो वहां से बना लो, आप वहां से उठा लो, या आपकी टीम जो काम कर रही है उन्होंने हब पे डाला होगा, वो आपको बता देंगे कि हब पे इस नाम से जो फाइल पड़ी है आपने सिंपल इससे कंटेनर बनाना है, मेहनत नहीं करनी है। तो डॉकर फाइल एक बार की मेहनत है, उसके बाद तो जब उससे इमेज बन जाती है, उस इमेज से कितने भी लोग बाद में अपने कंटेनर बना सकते हैं, ठीक है। तो डॉकर फाइल एक तरीका है। अब इन सारी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ना है, मैं इनके आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा कि हब का क्या मतलब है, डॉकर फाइल का क्या मतलब है, डॉकर इंजन का क्या मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे जो मैंने अभी इंजन बनाया नहीं है, बट यहां पे आप ये कह लें कि जो डेवलपर है, डॉकर फाइल है, ये डॉकर फाइल जाती है डॉकर इंजन के पास, ठीक है ना। यहां पे आप इसको इस तरीके से बनाएं, बल्कि यहां पे ये जो है ना, जो जो इमेज है ये डॉकर इंजन के अंदर होती है, ये डॉकर इंजन है मेरा, या आप इसे डॉकर डायमंड भी कह सकते हैं, डायमंड है ना, ये इसके अंदर ये इमेज बनती है और इस इमेज से फिर वो क्या बनाता है, कंटेनर बनाता है। तो एक्चुअली में ये सारी चीजें क्या है, अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूं। उसके अलावा एक चीज आपको और बता दूं, जो कंटेनर होता है ना, जो हमारा कंटेनर होता है, इसका एक और फीचर होता है, दैट इज लेयर्ड फाइल सिस्टम। लेयर्ड फाइल सिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, लेयर्ड फाइल सिस्टम जानते हो क्या होता है, या कंटेनर तो लेयर्ड फाइल सिस्टम होता है, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि कंटेनर जो भी काम करेगा ना वो लेयर की फॉर्म में करेगा। ये जो लेयर है, यानी सबसे पहले उबंटू इंस्टॉल करना है, उबंटू के बाद गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी लिख रहा हूं ऐसे, फिर यहां पर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है,
एक्स वाई जेड, फिर यहां पे मुझे एक फाइल बनानी है फाइल ए, फिर यहां पे मुझे एक फाइल बनानी है फाइल बी। तो ये लेयर में कर रहा है, यानी पहले ये काम होगा, फिर 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 यहां पे गिट इंस्टॉल होगा, फिर यहां पे शेफ इंस्टॉल होगा। ये लेयर्स में काम को करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप जब अपना करेंगे, जब आप अपना कंटेनर बनाएंगे, तो आप देखेंगे पहले एक फाइल डाउनलोड हो रही है, फिर दूसरी डाउनलोड हो रही है, तीसरी डाउनलोड हो रही है, चौथी डाउनलोड हो रही है, पांचवी डाउनलोड हो रही है। वो पार्ट में डाउनलोड हो रही है, वो एक साथ डाउनलोड ना होकर एक एक कर डाउनलोड हो रही है, क्योंकि वो लेयर्स में है। कंटेनर हमेशा लेयर में बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इतनी सारी फाइलें मैंने बना ली, उसके बाद मैंने कोई और काम किया, तो कंटेनर में एक और लेयर बन जाएगी, ठीक है। यानी वो लेयर में ऐड होता जाता है, लेयर्स में बनता जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंटेनर क्या होता है, लेयर फाइल सिस्टम होता है, जहां पे कोई भी फाइल जब आप बनाते हैं तो वो एक लेयर की तरह काम करती है, लेयर पे लेयर होती है, ठीक है। इसका कुछ ज्यादा टेक्निकली कुछ आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप उस कंटेनर से इमेज बनाएंगे और उस इमेज से दोबारा कंटेनर बनाएंगे, जैसे ये कंटेनर है, अब इसकी एक इमेज भी बनी हुई है, ये इमेज हब में चली गई, अब हब में से जब ये पुल करके एक इमेज बनेगी और इससे कंटेनर बनेगा, तो कंटेनर बनाते टाइम जब ये इमेज के जो भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर पड़े हैं, जब वो रन होंगे, इंस्टॉल होंगे, तो वो एक एक करके होंगे। यानी पहले लेयर पे जो भी सॉफ्टवेयर पड़ा है वो डाउनलोड होगा, फिर जो लेयर टू पे सॉफ्टवेयर पड़ा है वो डाउनलोड होगा, फिर जो लेयर थ्री पे पड़ा है वो डाउनलोड होगा, सॉरी डाउनलोड नहीं होगा, इंस्टॉल होगा, क्योंकि डाउनलोड तो यहां पे हो गया ना, इसने पुल कर लिया यानी डाउनलोड कर लिया, वो इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल कैसे होगा, जैसे जैसे यहां पे वो पड़े हुए हैं उसी के हिसाब से, यानी पहले नंबर पे जो भी लेयर में पड़ा हुआ है वो इंस्टॉल होगा, फिर दूसरे नंबर का इंस्टॉल होगा, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का, फिर पांचवें नंबर का, और इस तरीके से आपका कंटेनर बनता चला जाएगा, एक इमारत बनकर खड़ी हो जाएगी। इमारत भी एक बार में नहीं बनती ना, पहले पहला फ्लोर बनाते हो, फिर दूसरा बनाते हो, फिर तीसरा बनाते हो। यानी बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग जो बनाने का सिस्टम है इज अ लेयर्ड सिस्टम, है ना। लेकिन ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, हम तो ये जानते थे घर बना रहे हैं या इमारत बना रहे हैं, पर हमने कभी उसके बारे में ये कहा कि बिल्डिंग इज अ लेयर्ड फाइल सिस्टम नहीं कहा। पर एक्चुअली में कोई बिल्डिंग आप बनाते हैं, दैट इज अ लेयर्ड फाइल सिस्टम, क्योंकि जब तक पहला फ्लोर नहीं बनेगा दूसरा नहीं बना सकते आप ऐसा नहीं कर सकते पहला दूसरा बना लो फिर बाद में पहला बना लो, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे ही डॉकर होता है, इसमें पहली वाली जो लेयर है पहले वो इंस्टॉल होगी, फिर दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर की, फिर चौथे नंबर की, जो भी। अब जब तक पहले उबुंटू इंस्टॉल नहीं होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो इमेज में जो पहली लेयर होगी वो किसकी होगी, उबुंटू की होगी। उबुंटू के ऊपर फिर उसका सपोर्टेड सॉफ्टवेयर चलेगा, फिर तीसरा इंस्टॉल होगा, फिर चौथा, यानी जो जो रिक्वायर्ड है वो लेयर के हिसाब से उसमें आता जाएगा। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट कंटेनर इज अ लेयर्ड फाइल सिस्टम। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब जरा हम इसको वन बाय वन जो जो पार्ट है डॉकर के, जो डॉकर इज अ इकोसिस्टम, आपसे कई बार बोला जाएगा डॉकर इज अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि कंटेनर बनाने के लिए किसी एक चीज की नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जिनसे मिलकर कंटेनर बनता है, एंड दैट इज नोन एज डॉकर इकोसिस्टम। तो अब हम उसकी बात करते हैं। अब अगर डॉकर इकोसिस्टम की बात करें तो डॉकर इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम का मतलब क्या, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स आप कह सकते हैं, पैकेज कह सकते हैं, उनसे मिलकर बनता है डॉकर इकोसिस्टम। और ये सारी चीजें मिलकर, ये सारी कायनात मिलकर क्या बनाती है, कंटेनर बनाती है, ठीक है। तो उसमें पहली चीज क्या आती है, डॉकर क्लाइंट। डॉकर क्लाइंट वो बंदा है जो उस पर आप काम करते हैं, जैसे शेफ क्लाइंट होता था, ठीक है। इसीलिए ये सारे टूल जो है ना एक दूसरे जैसे लगते हैं आपको, क्योंकि वहां पर भी शेफ क्लाइंट होता था, शेफ सर्वर होता था, ऐसे यहां पर भी डॉकर क्लाइंट होता है, डॉकर सर्वर होता है। तो डॉकर क्लाइंट वही जगह है जहां पर आप अपना कोड लिखेंगे, अपनी डॉकर फाइल बनाएंगे, सारे काम करेंगे, वो आप करेंगे डॉकर क्लाइंट से। ऐसे डॉकर डेमन और सर्वर क्या होता है, या तो डॉकर डेमन आप कह लें या आप डॉकर सर्वर कह लें, ये वो जगह है जहां आपका डॉकर इंजन है, इसे आप डॉकर इंजन भी कह सकते हैं, आप इसे डॉकर इंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये ही वो बंदा है जो आपकी इमेज बनाएगा, जो आपके कंटेनर को रन कराएगा, या आपकी इमेज को, आपकी इमेज को कंटेनर में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, ये बंदा करेगा, डॉकर इंजन, डॉकर डायमन आप कह लें, ये बंदा करेगा। जनरली जो टर्म इस्तेमाल होती है डॉकर डायमन होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसका थोड़ा सा सर्वर से ही अलग होता है अपने आप में, आप इसकी बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं, आप इसे सर्वर मान लें। तो डॉकर डायमन जो है ये एक्चुअली में आपकी इमेज को कंटेनर में कन्वर्ट करता है और जो कमांड्स होती हैं उन्हें एग्जीक्यूट कराता है, जैसे डॉकर रन आप करना चाहते हैं, डॉकर पुल कर रहे हैं, या कुछ और आप कर रहे हैं, तो व्हाटएवर जो भी है।
अब डॉकर हब क्या है, डॉकर हब कह लें या रजिस्ट्री कह लें, ये वो जगह है जहां से आप अपनी सारी इमेजेस स्टोर कर सकते हो। जैसे गिट हब जो हमारी एक स्टोरेज थी, तो इसे हम काइंड ऑफ स्टोरेज कह सकते हैं। ये एक स्टोरेज है जहां हमारी सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। डॉकर इमेजेस क्या है, डॉकर इमेज क्या होती है, जिससे कंटेनर बनाया जाता है उसे हम इमेज कहते हैं। इट इज अ लाइक टेम्पलेट, टेम्पलेट आप कह सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक टेम्पलेट्स और इट इज जस्ट लाइक AMI, जैसे अमेजन मशीन इमेज होती है हमारी, उस तरीके से ये होता है, ठीक है ना। तो टेम्पलेट ज्यादा बेहतर है, आप टेम्पलेट टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉकर कंपोज कोई ऐसा वो नहीं है, बट डॉकर कंपोज से आप बहुत सारे डॉकर्स को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। मैनेज तो नहीं कहेंगे हम, रन करा सकते हैं बहुत सारे डॉकर को, तो डॉकर कंटेनर्स को, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये डॉकर कंपोज भी यहां पर आ गया। तो अब हम वन बाय वन में आपको इसकी थ्योरी पार्ट समझा देता हूं, क्योंकि ये सब कुछ आपको पता है। मैंने अभी आपको आर्किटेक्चर भी समझाया था कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो यहां पे अब वन बाय वन हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़े से नोट्स बना लेते हैं, सो दैट जब इंटरव्यू में हमसे पूछा जाए तो हम इजिली बता सकें, या हमें किसी और को भी समझाना है तो हम बता सकें डॉकर क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है और डॉकर सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहां पर कॉम्पोनेंट्स लिख दिए हैं। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे डॉकर इकोसिस्टम के, तो वन बाय वन उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉकर डायमंड। अगर मैं इसे शेफ से कंपेयर करूं तो शेफ वर्क स्टेशन हमारे पास होता था जहां हम काम करते थे, और एक शेफ सर्वर होता था जहां पे हम सारी रेसिपी सारी कुकबुक अपलोड करते थे। ऐसे यहां पे ये वो शेफ सर्वर जैसे होता था, यहां पर डॉकर डायमंड होता है जहां पे सारी चीजें हम लोग एक्चुअली में करते तो वहीं के लिए है, बट करते किसके थ्रू है, क्लाइंट के करते हैं, शेफ क्लाइंट शेफ सर्वर, ऐसे आप यहां पे समझे। तो डॉकर डायमंड क्या है, डॉकर डायमंड रन्स ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है, मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे कि ये मेरा होस्ट है, होस्ट हार्डवेयर है, फिजिकल हार्डवेयर है। इसके ऊपर सपोज करें मैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूं, लिनक्स चला रहा हूं, कोई भी लिनक्स चला रहा हूं, RHEL चला रहा हूं, उसके ऊपर मैंने डॉकर इंजन इंस्टॉल किया, ठीक है, डॉकर इंजन। तो डॉकर इंजन जो है, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, डॉकर डायमंड जो है इसे आप डॉकर इंजन भी कह सकते हैं, डॉकर डायमंड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये किसके ऊपर चलता है, ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। तो वही बात हमने लिखी है, डॉकर डायमंड रन्स ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंटेनर्स। तो कंटेनर कौन चलाता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, यही तो रेस्पॉन्सिबल है, यही तो कंटेनर बनाएगा, यहां पर मल्टीपल कंटेनर जो बनाएगा। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंटेनर टू मैनेज डॉकर सर्विसेज। डॉकर डायमंड कैन कम्युनिकेट विद अदर डायमंड्स। डॉकर इंजन दूसरे डॉकर इंजन के साथ, किसी दूसरे जो कहीं और है, किसी और मशीन पे है, कहीं और होस्ट, किसी और होस्ट पे चल रहा है, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉकर डायमंड के बारे में। तो डॉकर डायमंड क्या लें, डॉकर इंजन क्या लें, ये यहां पर होता है जो मैंने आपको बताया, तो आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद डॉकर क्लाइंट। अब देखिए, आप कभी भी सर्वर को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप सर्वर पे डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, जो करेंगे क्लाइंट के थ्रू करेंगे। आप क्लाइंट जैसे शेफ क्लाइंट पे सारा काम करते थे, पर करते किसके लिए थे, अगर हमने नोट पे कुछ भी अपडेट करना है, सर्वर को कुछ भी करना है, पर काम क्लाइंट के थ्रू होता था, है ना। तो ऐसे यहां पर डॉकर क्लाइंट वो बंदा है जो सर्वर तक जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन लेके, आपका रिक्वायर्ड डॉकर फाइल लेके, वो सारा काम क्लाइंट के थ्रू आप करेंगे। तो डॉकर यूजेस यूजर, डॉकर यूजर्स कैन इंटरैक्ट विद डॉकर डायमंड। ये डॉकर डायमंड लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यानी इसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे, उसे क्या कहते हैं, डॉकर क्लाइंट कहते हैं। डॉकर यूजर कैन इंटरैक्ट विद डॉकर डायमंड थ्रू अ क्लाइंट, और ये क्लाइंट कैसा होता है, CLI होता है। तो आप जिस CLI के थ्रू काम करेंगे उसे हम क्लाइंट कहेंगे। तो जब हम अपना CLI ओपन करेंगे डॉकर का, वहां पे कमांड लिखेंगे या जो भी हम काम करेंगे, एक्चुअली में वो क्या होता है, वो हमारा डॉकर क्लाइंट होता है। यानी जब हम कमांड लिख रहे होंगे ना डॉकर के अंदर, तो वो क्लाइंट पे लिख रहे होंगे एक तरीके से, आप ऐसा समझे, ठीक है। डॉकर क्लाइंट यूजेस कमांड एंड REST API टू कम्युनिकेट विद द डॉकर डायमंड। तो ये किसका इस्तेमाल करता है, कमांड लाइन का इस्तेमाल करता है, CLI का, या फिर REST API का इस्तेमाल करता है। इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ये याद रखें कि CLI के थ्रू ये डायमंड से कम्युनिकेट करता है, कमांड के थ्रू। व्हेन अ क्लाइंट रन्स एनी सर्वर कमांड ऑन द डॉकर क्लाइंट, when a client runs any server command on the docker client terminal, the client terminal send these docker
कमांड टू द डॉकर डेमन, यानी वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी कमांड लिख रहा हूँ क्लाइंट के ऊपर, एक्चुअली में वो किसको भेज रहा है? सर्वर को भेज रहा है। तो कमांड टू द डॉकर डेमन, तो उसे डॉकर सर्वर के पास मेरी कमांड्स को भेज देगा कि भैया बंदा ये काम करवाना चाहता है। पर वो सर्वर जो है वो आपसे यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्लाइंट के थ्रू करेगा, क्लाइंट उसको बताएगा। ठीक है, इट इज ये कुछ ऐसा ही है जैसे बैंक में बैंक मैनेजर से लोन लेना भी हो तो डायरेक्ट मैनेजर से नहीं मिलोगे, पहले आप क्लर्क से मिलोगे या जो वहां पे कोई और बैठा होगा उससे मिलोगे। वो आपकी रिक्वेस्ट मैनेजर तक लेकर जाएगा कि सर बंदा एक आया है और वो लोन पास कराना चाहता है। अगर सर्वर को लगता है कि वो मैनेजर को लगता है कि हाँ उस बंदे का लोन पास होना चाहिए, तो वो फिर भी आपको नहीं बताएगा, क्लाइंट को कहेगा, उसको जो दूसरा बंदा उससे मिलने आया एम्प्लॉय जो उसके नीचे के लेवल का एम्प्लॉय है उसको बोलेगा ठीक है इसका लोन पास कर दो, इसका सारा काम ओके है। तो सर्वर वो बता देगा और क्लाइंट फिर आपका लोन पास कर देगा। ऐसे यहां पे क्या होगा, क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट को लेकर सर्वर के पास जाएगा और सर्वर ने अगर कंटेनर क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर देगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे। इट इज पॉसिबल फॉर डॉकर क्लाइंट टू कम्युनिकेट विद मोर देन वन डेमन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक क्लाइंट एक से ज्यादा डॉकर सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी वाले डॉकर इंजन से कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरे से भी कर सकता है। ठीक है, अब डॉकर होस्ट क्या होता है, हालांकि ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। डॉकर होस्ट ये होता है, ये बंदा, ठीक है ना, इसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है पर सारे सबसे बड़ी अहमियत इस बेचारे की है ना। ये कुछ ऐसे जैसे हम इमारत की बात कर रहे हैं, हम दरवाजों की बात कर रहे हैं, खिड़कियों की बात कर रहे हैं, फ्लैट बड़े सुंदर बने हैं, अलमारियां बड़ी सुंदर बनाई है, बालकनी बड़ी सुंदर बनाई है, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे जहां वो इमारत बनी है जमीन के ऊपर, हम उस जमीन को भूल जाते हैं। और वो जमीन क्या है, हमारा होस्ट है, डॉकर होस्ट है। तो ये बना तो सारा डॉकर जितने अभी तामझाम चल रहा है किसके ऊपर चल रहा है, इस बेचारे गरीब आदमी के ऊपर चल रहा है। तो इसकी भी बात होनी चाहिए, तो थोड़ी सी बात हमने इसकी भी करी है। तो ऐसी जो हमारी इमारत होती है ना वो जमीन पे होती है, अगर वो जमीन ही ना होगी तो वो इमारत खड़ी ना हो पाएगी, और इसीलिए मैं आपकी जमीन मजबूत कर रहा हूं। ठीक है, तो डॉकर होस्ट इज अ यूज्ड टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट। डॉकर होस्ट क्या करता है, आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जहां पे आप अपना चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, कंटेनर बना सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो, व्हाटएवर। तो डॉकर होस्ट आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो आपको वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो आपको चाहिए डॉकर को चलाने के लिए। इट कंटेन्स डॉकर डेमन, तो डॉकर इंजन, ये देखिए ना डॉकर इंजन भी इस होस्ट के ऊपर ही बना हुआ है, इमेजेस डॉकर इंजन के अंदर पड़ी हुई हैं, डॉकर डेमन के अंदर पड़ी हुई हैं, कंटेनर भी यहीं पर बने हुए हैं, नेटवर्क और स्टोरेज भी सब कुछ यहीं पर अवेलेबल है। तो एक्चुअली में ये सारी चीजें कहां है, डॉकर होस्ट के ऊपर है। और होस्ट क्या होता है, वो फिजिकल हार्डवेयर जिसके ऊपर आप अपना डॉकर इंजन चला रहे हैं और सारी कंटेनर्स क्रिएट किए हुए हैं, तो वो जो हार्डवेयर होता है उसे डॉकर होस्ट कहा जाता है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर डॉकर हब की बात करें या रजिस्ट्री की बात करें तो ये क्या होता है, डॉकर रजिस्ट्री मैनेजेस एंड स्टोर्स द डॉकर इमेजेस, यानी ये काइंड ऑफ स्टोरेज है जो आपकी डॉकर इमेजेस को स्टोर भी करता है, उन्हें मैनेज भी करता है। मैनेज करने का मतलब एक तरीके से लगा के रखता है, उबुंटू की सारी इमेजेस आपको एक जगह मिल जाएंगी, सेंटोस की एक जगह मिल जाएंगी, तो उन्हें मैनेज भी करता है, तो डॉकर हब वो बंदा है। ठीक है, अब दो तरीके की यहां पर क्या होती है, रजिस्ट्री होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ रजिस्ट्री इन द डॉकर, या आप कह लें कि आपके दो तरह के अकाउंट होते हैं वहां पे। वहां पे एक पब्लिक रजिस्ट्री होती है, एक प्राइवेट होती है। पब्लिक रजिस्ट्री में जो कुछ भी है वो सबके लिए ओपन है, यानी वहां जितनी इमेजेस पड़ी हैं वो हर किसी को दिख रही हैं, आपको वहां पे आप वहां से कुछ भी उठा सकते हैं या सब कुछ कर सकते हैं। पर डॉकर का एक प्राइवेट अकाउंट भी होता है, प्राइवेट अकाउंट इन द सेंस कि कोई कंपनी अगर लेना चाहती है सिर्फ अपने लिए कि भाई हम जो यहां पे डालेंगे वो हमारे एम्प्लॉय एक्सेस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको एक प्राइवेट स्टोरेज मिल जाएगी, आपकी अपनी एक प्राइवेट स्टोरेज होती है जहां पे आपके एम्प्लॉय वहां पे अपनी इमेज अपलोड भी कर सकते हैं और वहां से पुल भी कर सकते हैं, इमेजेस ले भी सकते हैं, लेकिन आपके एनवायरनमेंट के लिए वो है, स्पेशली आप ही के लिए है, हर कोई नहीं उसको देख सकता। तो कंपनियां इस तरह का अकाउंट लेकर रखती हैं, तो उसे हम प्राइवेट रजिस्ट्री बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू शेयर इमेजेस विद इन द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब कंपनी। तो कंपनी के अंदर अगर हमें कोई इमेजेस शेयर करनी है, हम नहीं चाहते और कोई उसे देख सके, तो हम प्राइवेट रजिस्ट्री भी ले सकते हैं, ये भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है। और पब्लिक रजिस्ट्री वो होती है जो आपको नजर आती है, नॉर्मली जब मैं आपको लैब करके दिखाऊंगा तो जो कुछ भी हमें नजर आ रहा होगा वो पब्लिक है, क्योंकि प्राइवेट वाला आपको नहीं दिखेगा, वो तो उस कंपनी ने ले रखा है, वो उसको दिखेगा। समझ आ रही है बात? तो पब्लिक रजिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड ए
प्लस डॉकर हब। तो डॉकर हब की जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो कैसी रजिस्ट्री है? पब्लिक रजिस्ट्री है। वहां पे सब कुछ क्या है? पब्लिक है, सबको नजर आ रहा है। लेकिन प्राइवेट रजिस्ट्री भी होती है डॉकर के अंदर, तो उस डॉकर हब के अंदर प्राइवेट रजिस्ट्री भी होती है। तो जनरली जब हम डॉकर हब की बात करते हैं, देखिए डॉकर हब के अंदर तो दोनों चीजें हैं, पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, पर जब हम डॉकर हब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पब्लिक रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, हर कंपनी ने अपना एक अकाउंट बना रखा होगा और प्राइवेट रजिस्ट्री उसकी अपनी अपनी स्टोरेज होगी, पर्सनल स्टोरेज होगी, जिसे सिर्फ उसके एम्प्लॉय देख सकते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। जब भी हम डॉकर हब की बात करें यानी हम पब्लिक रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप ऐसा समझें, ठीक है? तो आपको डॉकर हब समझ आ गया। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है डॉकर इमेजेस। इमेजेस के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, वही बातें मैंने यहां पर लिखी हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा इमेजेस रीड ऑनली फाइल होती है, आप इसे रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। आप इमेज में कुछ राइट नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते। आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो पहले उसे कंटेनर बना के रन कराना पड़ेगा, फिर जो चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो। इमेज में चेंज नहीं होते, इमेज एक रीड ऑनली फाइल होती है। तो डॉकर इमेज आर द रीड ओनली बाइनरी टेम्पलेट्स यूज्ड टू क्रिएट डॉकर कंटेनर। तो डॉकर इमेज एक बाइनरी एक टेम्पलेट होता है, रीड ओनली टेम्पलेट होता है, फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट योर कंटेनर, ठीक है? इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हो, ये भी इसकी डेफिनेशन है, सिंगल फाइल। इमेज क्या है? सिंगल फाइल विद ऑल डिपेंडेंसीज एंड कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड टू रन अ प्रोग्राम और रिक्वायर्ड टू रन अ कंटेनर। यानी ऐसी एक फाइल जिसके अंदर वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वो सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, उसमें उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है या उसकी डिपेंडेंसी पड़ी हुई है जिससे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाए, और उसके अंदर वो जिससे डायरेक्टरी बन जाए, जिससे हमारी फाइल क्रिएट हो जाए, जिससे गिट इंस्टॉल हो जाए, वो सारी चीजें जिसमें पड़ी होती है उसे हम इमेज कहते हैं। सिंगल फाइल विद ऑल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर्स, उनका लिंक, डॉकर हब से हमें क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ इस इमेज के अंदर पड़ा होगा, तो वो अपने आप हो जाएगा। तो ये एक सिंगल फाइल होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, विद ऑल डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी इसकी एक अच्छी डेफिनेशन है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इमेज क्रिएट कैसे कैसे कर सकते हैं। तीन तरीके होते हैं इमेज को क्रिएट करने के, इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीन तरीके होते हैं इमेज को क्रिएट करने के, मैं आपको वो बता देता हूं, यहां लिखे भी है मैंने, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। सबसे पहले मेरे पास, जैसे कि मेरा ये एक आप समझे होस्ट है, इस होस्ट के ऊपर मेरा RHEL चल रहा है, रेड हैट चल रहा है, OS चल रहा है मेरा OS, और उसके ऊपर मैंने डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है और डॉकर के ऊपर मैं कंटेनर बनाना चाहता हूं। तो पहला तरीका क्या है इमेज क्रिएट करने का या इमेज को लेने का? बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप डॉकर हब पे से अपनी इमेज उठा लो। डॉकर हब पे से अगर आपको उबंटू चाहिए तो आपने उबंटू डॉकर हब पे से ले लिया। तो पहला तरीका तो इमेज का क्या है, इमेज क्रिएट करने का या इमेज लेने का, पहला तरीका है टेक इमेज फ्रॉम डॉकर हब। तो डॉकर हब पे से मैंने इमेज ले ली, अब डॉकर हब से मैंने उबंटू इमेज ली, तो मेरा यहां एक कंटेनर क्रिएट हो गया और इस कंटेनर पे क्या बन रखा है, उबंटू चल रहा है। मेरा इस कंटेनर में क्या रन कर रहा है, उबंटू रन कर रहा है। अब एक तरीका है मैं डॉकर हब से ले लूं, तो पहला तरीका इमेज का क्या है, टेक इमेज फ्रॉम डॉकर हब। दूसरा तरीका क्या है, क्रिएट इमेज फ्रॉम डॉकर फाइल। आप डॉकर फाइल से भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसका क्या तरीका है, आपने एक कोड लिया, एक कोड आपने लिखा, डॉकर फाइल आपने बनाई, इसमें सारी चीजें आपने लिख दी कि मेरे को ये उबंटू चाहिए, मेरे को ये डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ये इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल करना है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज आपने लिख दी। अब इस डॉकर फाइल को आप क्लाइंट के थ्रू रन कराओगे, और जब क्लाइंट के थ्रू रन कराओगे तो डॉकर इंजन क्या करेगा, डॉकर इंजन इसकी एक इमेज क्रिएट करेगा, है ना? डॉकर इंजन इसकी एक इमेज क्रिएट करेगा और उस इमेज से वो कंटेनर बना देगा। करेगा नहीं करेगा, ये प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल से इमेज बनेगी और इमेज से आप कंटेनर बनाओगे, यानी हम डॉकर फाइल से भी इमेज बना सकते हैं। तो क्रिएट इमेज फ्रॉम डॉकर फाइल, तो ये एक तरीका है कि डॉकर फाइल से हम इमेज बना सकते हैं और उससे कंटेनर बना सकते हैं। एट द एंड हमें इमेज से क्या करना है, कंटेनर ही बनाना है, ठीक है? इमेज का कोई फायदा नहीं है अदरवाइज। तीसरा तरीका क्या है इमेज बनाने का, कि आपका जो एग्जिस्टिंग कंटेनर है, अब ये जो कंटेनर बना हुआ है मैं इसकी भी इमेज बना सकता हूं। अब सपोज इस कंटेनर में मैंने आपको बताया कि सपोज 500 सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, तो अब मैं जो इसकी इमेज बनाऊंगा उसमें उबंटू तो होगा ही होगा,
उबुंटू के साथ साथ 500 सॉफ्टवेयर भी होंगे। तो अब ये इमेज मैंने बना दी, अब फ्यूचर में जब ये इमेज मैं किसी के साथ शेयर करूंगा और वो कंटेनर बनाएगा इस इमेज से, तो सिर्फ ना सिर्फ उसमें उबुंटू आ जाएगा बल्कि वो 500 सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस इमेज के अंदर वो 500 सॉफ्टवेयर थे। कैसे थे? क्योंकि मैंने इस कंटेनर की इमेज बनाई है और कंटेनर में 500 सॉफ्टवेयर थे, इसीलिए इमेज में भी 500 सॉफ्टवेयर है। अब जो कोई बंदा बनाएगा तो उसके कंटेनर में भी 500 सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। तो तीसरा तरीका यह है कि आप अपने रनिंग कंटेनर की इमेज बना लें। ठीक है, तो इमेज बनाने के तीन तरीके होते हैं, डॉकर हब से बना सकते हैं, डॉकर फाइल से बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग कंटेनर से ले सकते हैं, बना सकते हैं सॉरी। डॉकर हब से तो आप डायरेक्ट लेंगे, वहां बनानी नहीं पड़ती, डॉकर हब से हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इमेज बनाने का तरीका नहीं है, डॉकर हब से डायरेक्ट लेने का मतलब बनाना नहीं है, पर आप इमेज ले सकते हैं। बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो डॉकर फाइल से बना लें या कंटेनर से बना लें। डॉकर हब से तो आप इमेज ले सकते हैं, बना नहीं सकते वैसे अगर देखा जाए टेक्निकली, पर दो तीन तरीके हैं इमेजेस को एक्सेस करने के या लेने के, आप ऐसा समझ लें। ठीक है, तो ये भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉम्पोनेंट रह गया जिसके लिए हमने सारा कुछ पढ़ रहे हैं वो है कंटेनर। तो अब जरा उसके बारे में भी लिख देता हूं और मैं आपको समझा देता हूं। तो अब डॉकर कंटेनर की बात करें अगर, तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं डॉकर कंटेनर क्या होता है, कैसे होता है, बस मैंने पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं। कंटेनर होल्ड द एंटायर पैकेज दैट इज नीडेड टू रन द एप्लीकेशन, यानी कंटेनर के अंदर वो पूरा पैकेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो सपोर्टेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे कि हमारी एप्लीकेशन रन करेगी। In other words, we can say that the image is a template and the container is a copy of that template. ठीक है, तो इमेज से हमारा कंटेनर बनता है, टेम्पलेट होता है, इमेज से ही एक्चुअली आप कह लें कंटेनर बनता है। तो इमेज एक टेम्पलेट होता है और कंटेनर क्या होता है? कॉपी ऑफ दैट टेम्पलेट, यानी कॉपी ऑफ दैट इमेज, आप ऐसे भी कह सकते हैं। कंटेनर किसकी तरह होता है? लाइक अ वर्चुअल मशीन, हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सेम होते हैं, बट लाइक लिखा है मैंने, उसके जैसा होता है। यानी यहां पर भी आप अपनी एप्लीकेशन रन करा रहे होते हैं और वर्चुअल मशीन की जरूरत भी क्यों होती है हमें, हमारी एप्लीकेशन रन कराने के लिए। Images becomes container when they run on Docker engine. Image अगर हम run कराएंगे तो क्या बन जाती है? Container बन जाती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ बताई थी। Image जो होती है वो dead body होती है और इसके अंदर अगर सांसें आ जाएं, ये चलने लगे, चलने का मतलब run करने लगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा container बन जाएगा। ठीक है, so this is dead body and this is living body. ठीक है, तो अगर लास्ट चलने लगे तो क्या बन जाती है? कंटेनर, यानी कि इंसान बन जाती है, जिंदा आदमी बन जाती है। तो इमेज को रन करने से कंटेनर बनता है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप इमेज में चेंजेस नहीं कर सकते, आप इमेज में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। चेंजेस जो कुछ भी करने हैं आपको, मॉडिफिकेशंस वो यहां पर होंगे। आप कंटेनर में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं बट यू कैन नॉट मॉडिफाई इमेज, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इमेज में मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि वो टेम्पलेट है, वो एक फोटो है, फोटो में बदलाव नहीं हो सकते, उसमें आदमी अपना हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा था। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं आज भी, अब लेक्चर काफी लंबा हो गया, बट कोशिश यही थी कि यार डिटेल में आपको बताऊं, जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए, कुछ और डाउट आ रहे हैं तो अगले लेक्चर में क्लियर कर दूं। पर्पस यही है कि हर बंदा मास्टर हो जाए डॉकर के अंदर, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मत जाओ, किसी किताब को मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। मैं नोट्स आपको जितने लिखवा रहा हूं किताबों में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो एक गाना था ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। तो टेक्निकल गुफ्तगू का चेहरा पढ़े आप खाली हमारे बोर्ड को पढ़े काफी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हमें करें, बस हमें सिर्फ ये चाहिए। वीडियो शेयर करें, हमारे जो आपका लिंक्डइन अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, यार वहां पे आप शेयर करें, आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगता है। आप जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अपनी मोहब्बत हमें देते हैं और अपना सपोर्ट हमें देते हैं, बट उसके साथ आप ये भी करें, इवन आप डोनेट भी हमें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कनाडा से डोनेट करते हैं, लंदन से डोनेट करते हैं आप, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हमें डोनेट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ आप हमारे वीडियोस को भी यार शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, जितने भी लोग हैं। देखिए, नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है, मैं कुछ अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता, मैं हमेशा कहता हूं। तो जितना कुछ होता है मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, मैं आपको लैब भी करके दिखाऊंगा और सारी लैब हम करेंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, बहुत कुछ डिटेल में हम करने वाले हैं, मास्टर आप बन जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दोबारा कह रहा हूं। अच्छा, बातों किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। चलिए, आज अपने ही कुछ लिखे हुए शेर आपको सुनाता हूं।
और बताइएगा आपको कैसे लगे। रंजिश भी सही है रिश्तों के दरमियान, रंजिश भी सही है रिश्तों के दरमियान, चाशनी को गाढ़ा पकाया ना जाएगा। चाशनी होती है जो चीनी से बनती है ना, तो उसको जब आप लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं तो वो गाढ़ी नहीं पकाई जाती, उसमें पानी मिलाना पड़ता है। तो रंजिश भी सही है रिश्तों के दरमियान, चाशनी को गाढ़ा पकाया ना जाएगा। जलकर भी कह रहा था मेरा घर बहुत कुछ, जलकर भी कह रहा था मेरा घर बहुत कुछ, लपटों को अदालत तक लाया ना जाएगा। कि ना मैं मजहब पे कहता हूं ना सियासत पे कहता हूं, ना मजहब पे कहता हूं ना सियासत पे कहता हूं, मिट्टी के घर में रहता हूं हाले दिल में कहता हूं। जिसने था कल जलाया घर भरे बाजार में मेरा, जिसने था कल जलाया घर भरे बाजार में मेरा, वो मेरे साथ रहता था मैं उसको भैया कहता हूं। मैं ना अमीर की शराब ना गरीब के आंसू, मैं ना अमीर की शराब ना गरीब के आंसू, मैं बारिश का पानी हूँ गलियों में बहता हूँ, मैं बारिश का पानी हूँ गलियों में बहता हूँ। चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।